काफ़ी दिनों से गाइज मैं आप लोगों को चिक चिक के बोल रहा था कि रेडमी नोट 5 प्रो में एंड्रॉयड पाई की अपडेट देखने को मिलेगी। करीबन मैंने आप लोगों को 5-6 महीना पहले ही बता दी थी कि रेडमी नोट 5 प्रो की डिवाइस में एंड्रॉयड पाई की अपडेट देखने को मिलेगी, फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, तो आपकी मर्जी। आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ रेडमी नोट 5 जो इंडिया वाला रेडमी नोट 5 है, रेडमी 5 प्लस, उसमें भी बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांसेस है एंड्रॉयड पाई की अपडेट देखने को मिलने वाली है। गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 5 Pro की डिवाइस में Android Pie की अपडेट देखने को मिल गई है, और अगर आप लोग चाहते हैं इसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं एज ऑफ नाउ ये क्लोज बीटा में है, नाइटली फेस में है। तो गाइज इसे इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों के फ़ोन में कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसके लिए बूट लोडर का अनलॉक होना मैंडेट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए मैं एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके अलावा गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को एंड्रॉयड पाई की स्टोरेज एक देखने को मिल जाती है। सबसे बड़ी चेंज लोग की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर हम लोग को एंड्रॉयड 9 देखने को मिल जाती है, पाई देखने को मिलती है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात कर लेते हैं, तो पहले मार्च की देखने को मिलती थी, अब हम लोगों को अप्रैल की देखने को मिल रही है, 5/4/2019। गाइस जैसे हम लोगों ने इसे अपने फ़ोन में अपडेट किया, सबसे पहले आप लोगों को चेंज लोग देखने को मिलेगी। यहाँ पर डिवाइस मॉडल आप लोगों को रेडमी नोट 5 देखने को मिलेगी, पहले रेडमी नोट 5 प्रो देखने को मिलती थी, लेकिन गाइस यहाँ पर हम लोग रेडमी नोट 5 देखने को मिलेगी। तो आप लोग इससे ये मैं सोचिएगा कि आपका Redmi 5 Plus वाला डिवाइस की ये अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि Redmi 5 Plus की डिवाइस में आप लोगों को सिंगल कैमरा देखने को मिलती है और Note 5 Pro में डुअल रियर कैमरा देखने को मिलती है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ Note 5 Pro की डिवाइस में Android Pie की अपडेट जैसे ही देखने को मिली, इसमें क्या क्या चेंज देखने को मिली है, क्या फीचर देखने को मिली है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें हम लोगों को बहुत से नए फीचर्स देखने को मिली है, उसके साथ ही बग्स भी देखने को मिली है। इसके अलावा गाइज आप लोगों काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि आपके डिवाइस में कब देखने को मिलेगी डार्क मोड की फीचर्स, उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते थे गाइज, तो फाइनली ये हम लोगों को एंड्रॉयड पाई की डिवाइस में देखने को मिल गई है। असल में ये MIUI की फीचर्स है, पाई की फीचर्स नहीं है। तो डिस्प्ले में जाएंगे हम लोग तो देख सकते गाइज यहाँ पर डार्क मोड की फीचर्स देखने को मिल जाएगी, जैसे इसे इनेबल करेंगे हम लोग की सारी सिस्टम यहाँ पर डार्क हो गई है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं रेस्ट टू वेक की फीचर्स नोट 5 प्रो में देखने को मिल रही है, लेकिन रेडमी नोट 6 प्रो से इसे रिमूव कर दिया गया है। और गाइज सबसे बड़ी बग की बात कर लेते हैं, तो पहले हम लोगों को वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ काम करती थी, तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ काम नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बग देखने को मिली है मुझे एंड्रॉयड पाई की अपडेट के साथ में। इसके अलावा गाइस बात कर ले तो यहाँ पर हम लोग को डुअल क्लॉक की फीचर्स देखने को मिल गई है। जो तो गाइस मैं अगर आप लोगों को डेट एंड टाइम सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर डुअल क्लॉक की फीचर्स देखने को मिल जा रही है। विजेट में जाएंगे तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हम लोग को डुअल क्लॉक की फीचर्स देखने को मिल जा रही है। इसके अलावा अगर हमें बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाएंगे तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को एडेप्टिव बैटरी की ऑप्शन देखने को मिल जा रही है, जो पाई की बेस्ट फीचर है, जिसकी वजह से हम लोग को बैटरी में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। ये उन सारे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में क्लोज कर देती है जो फालतू की बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करती है। इसके अलावा अगर हम लोग किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को न्यू इंटरफेस देखने को मिलती है और यहाँ नोटिफिकेशन स्टेटस बारे में, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे नोटिफिकेशन स्टाइल में तो गाइज यहाँ पर हम लोग को दो ऑप्शन देखने को मिल जाती है, MIUI एंड एंड्रॉयड। ये पहले भी हम लोग को देखने को मिलती थी, कस्टम रोम में अभी भी देखने को मिलती है। तो गाइज इसे इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन की स्टाइल यहाँ पर देख सकते गाइज यहाँ पर जो एरो हम लोग को देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये वाले MIUI की नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, और इस वाले स्क्रीनशॉट में आप लोगों को एंड्रॉयड वाली स्टॉक एंड्रॉयड की नोटिफिकेशन की स्टाइल देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं आप लोग सेटिंग में लेकर दिखा देता हूँ स्पेशल फीचर्स में, तो हम लोग को यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाती है। एक्सप्लोर न्यू फीचर, यहाँ पर हम लोग को नई फीचर देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग को तीन नई ऑप्शन देखने को मिलती है, क्विक बाल 100 मोड एंड सेकंड एक्सप्रेस। तो गाइज ये जनरली वो सारे फीचर्स हैं जिनको हम लोग बहुत रेयर केस में यूज़ करते थे, तो इसलिए Xiaomi इसे हम लोगों को हाईलाइट कर रहा है ताकि हम लोग इस फीचर्स को यूज़ करें। उत्तरी फुल स्क्रीन डिस्प्ले में नॉच नहीं है, सॉरी यार मजाक कर रहा हूँ, नोट 5 प्रो में नॉच कहाँ है? वैसे अगर आप लोगों को पता नहीं है कि नॉच के अंदर में कैसे वीडियो को प्ले करना है, तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख लें। आपके पास कोई सी भी डिवाइस है नॉच वाली, आप नॉच के अंदर किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो को प्ले कर सकते हैं और MX प्लेयर की वीडियो को प्ले कर सकते हैं। और ऐप लॉक में यहाँ पर हम लोग को फेस लॉक के फीचर भी देखने को मिल जा रही है। आई थिंक ये बहुत पहले ही देखने को मिल गई थी, शायद मैंने आप लोगों को बताई नहीं थी रेडमी नोट 5 प्रो के डिवाइस में फीचर्स है, तो अगर नहीं बताई थी तो अभी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप लोग मेरे पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को सारे फीचर्स देखने को पहले ही मिल जाएगी। अब गाइज बात कर लेते हैं कैमरा की।
क्या कैमरा में हम लोगों को गूगल लेंस की सपोर्ट देखने को मिली है? तो जी नहीं गाइस, गूगल लेंस की सपोर्ट देखने को नहीं मिली है। क्या कैमरा में वीडियो में 4K at 30 FPS या 4K at 60 FPS की रिकॉर्डिंग देखने को मिली है? तो जी नहीं गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी हाईएस्ट रिजोल्यूशन फुल HD 1080p या 60 FPS की देखने को मिलती है, तो 4K आप लोग भूल ही जाइए। और गाइज आप लोग वेट कर रहे हैं कि कैमरा 2 API इंस्टॉल हो गई होगी, तो गूगल कैमरा को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो गाइज मैं आप लोगों को मैनुअल कैमरा कम्प्लीटली भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, स्टार्ट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं आप, ना रेडमी नोट 5 प्रो में ये ऑप्शन देखने को मिलेगी, ना रेडमी नोट 6 प्रो में ये ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग इसे इनेबल करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिए। आप लोग अपने शॉमी या किसी भी डिवाइस में इस वाले मेथड को फॉलो करके कैमरा 2 API को इंस्टॉल कर सकते हैं और गूगल कैमरा को आप लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं गेमिंग बूस्टर मोड की। तो नई फीचर्स हम लोग गाइज देखने को मिल जा रही है। तो गाइज शायद आप लोगों ने नोटिस यहाँ पर नहीं किया है, मैंने यहाँ पे गेम को ओपन किया और मैं चाहा यहाँ पे मीडिया वाली एप्लीकेशन को यहाँ से इंक्रीज करूँ या फिर डिक्रीज करूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को नोटिफिकेशन की आइकन देखने को मिल रही है, नोटिफिकेशन आइकन देखने को मिल रही है गाइज। तो ये बहुत बड़ी बग हम लोग को देखने को मिल रही है इस पाई अपडेट में। अब ये पाई की अपडेट में ये फीचर, ये बग देखने को मिली है या फिर MIUI 10 9.3.25 की अपडेट में ये बग देखने को मिली है। आई थिंक ये गाइज ये MIUI की अपडेट में ये बग देखने को मिली है। तो अब हम लोग इस वॉल्यूम वाले कंट्रोल से मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देख सकते हैं यहाँ पे गाइज हम लोग मीडिया को प्ले कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मीडिया की कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब मीडिया को कंट्रोल करने के लिए गाइज हम लोग इस 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहाँ से मीडिया कंट्रोल करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर नोटिफिकेशन कंट्रोल दे रही है। और गाइज देख सकते हैं यहाँ पर गेमिंग बूस्टर, हम लोग यहाँ पर न्यू गेमिंग बूस्टर देखने को मिल जाती है जो हम लोग रेडमी नोट 6 प्रो में पहले ही देखने को मिल गई थी। तो अगर इसके बारे में आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरी रेडमी नोट 6 प्रो वाली वीडियो को देख लें, ये वाली वीडियो को देख लें। और गाइज अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि पबजी क्या आप लोगों के फोन में HD मोड में चलेगी ग्राफिक, तो आप लोग दो चीज़ की उम्मीद मत रखिए, तीन चीज़ की उम्मीद मत रखिए। कैमरा 2 API देखने को मिलेगी, 4K देखने को मिलेगी और HD देखने को मिलेगी। अगर आप लोग ये तीन चीज़ चाहते हैं तो आप लोग कस्टम रोम इंस्टॉल कर लीजिए, कस्टम रोम की बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना रखी है, तो लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अगर मैं आप लोगों को ग्राफिक्स मोड ओपन करके दिखा देता हूँ और HD पे मैं टैप करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कमिंग सून बैलेंस मोड मीडियम फ्रेम रेट में आसानी से हम लोग खेल सकते हैं। तो गाइज अभी तो आप लोगों को छोटी मोटी फीचर्स ही मैंने आप लोगों को बताई है जो पाई में देखने को मिली है, लेकिन आप लोग अगर पूरी पाई की फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, फुल रिव्यू के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। लाल वाले बटन को काला कर दिएगा, काले वाले बटन को नीला कर दिएगा,